केंद्रीय मंत्री सिंधिया दो दिन के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी ना तो किसी से दोस्ती है ना ही दुश्मनी, उनका केवल एक ही राजधर्म है कि ग्वालियर का विकास किस तरह से किया जा सके, वो इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार के देश के सीमावर्ती गाँवों में विकास के लिए किए जा रहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सिंधिया ने कहा कि सभी गाँवों तक विकास योजनाओं का पहुँचाना केंद्र सरकार की पहली प्राथमिकता है। आगे बढ़ पाए। अभी मैं इतिहास अगर आपने देखा हो, जो शायद आपने देखा होगा, हमारा एक ही मकसद है और वो है जनसेवा, वो है विकास और वो है प्रगति। सकारात्मक रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक क्षेत्र में विकास और प्रगति आए। अव्वल पंक्ति में हमारा प्रदेश, हमारा जिला और हमारा देश आगे बढ़ पाए। अभी मैं वाइब्रेंट विलेज के दौरे से वापस आया हूं। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाके धराली गांव में, जो चीन की सीमा पर रहता है, उस गांव का भ्रमण करके वहां रात्रि विश्राम करके मैं स्वयं आया हूं। प्रधानमंत्री जी ने 70 के 70 मंत्रियों को एक एक गांव में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में स्वयं भेजा है, ताकि उस सीमावर्ती गांव की विकास और प्रगति, सरकार की योजनाएं वहां पहुंच रही हैं कि नहीं, किस तरीके से उन गांवों का हम लोग विकास करें। जिन गांवों में कभी भी कोई नेता ना गए हों, वहां प्रधानमंत्री ने देश के कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है,